यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बिपिन रावत जी की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, चाइना वास्तव में काफ़ी पावरफुल है। चाइना जब से आज़ाद हुआ 1949 से, तब से ही उसने अपनी तैयारी की ये ध्यान में रखते हुए कि एक दिन उनकी अमेरिका के साथ, जो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है, उसके साथ मिलिट्री शोडाउन होगा। उसी को निगाह में रखते हुए उनका डिफेंस बजट भी आज दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट है, क्लोज टू 150 बिलियन से सवा 200 बिलियन डॉलर स्पेंड करते हैं, जबकि अमेरिका का तकरीबन 600 बिलियन डॉलर है। हमारा डिफेंस बजट लगभग 46 से 50 बिलियन डॉलर है, और ये आपसी वक्फा दोनों फौजों में कम से कम 25 से 30 साल है। इसको ध्यान में रखते हुए ये स्टेटमेंट कि चाइना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सही है। उसके पास नेवल फोर्सेस बड़ी मजबूत है, उसकी मिसाइल फोर्सेस और रॉकेट आर्टिलरी बड़ी मजबूत है, लेकिन आज का हिंदुस्तान 62 का नहीं है। हम उस माफिक की ताकत नहीं रखते, लेकिन कमज़ोर नहीं है। अगर चाइना ने किसी प्रकार हमारे खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की, तो हम अपनी सुरक्षा को कायम रखने में, अपने बॉर्डर की एकता अखंडता को कायम रखने में काफ़ी मजबूत है, और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिसमें हम कम्प्लीटली डोमिनेटिंग हैं। हम चाइना को भी सबक सिखा सकते हैं अगर आवश्यकता पड़ी तो।